स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के पेज 193 पर। पेज 193 पर एक एग्जांपल है सॉल्व, एक एग्जांपल उसका 8.4। वो क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है अपने आप में। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स है, ठीक है, दो यूनिफॉर्म, नीचे फिगर भी बन रहा है उसकी मदद भी लेंगे, दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ऑफ इक्वल रेडियस आर एंड आर, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, और इससे 6R दूरी पर एक दूसरा स्फीयर है, दूसरा स्फीयर, ठीक है, उसकी भी रेडियस R है, पर उनके टोटल जो बीच की डिस्टेंस है वो 6R है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर से सेंटर 6R, ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस कितनी डिस्टेंस हो गई बताओ, सेंटर टू सेंटर यदि 6R है, मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, तो सरफेस टू सरफेस कितनी डिस्टेंस होगी इनके बीच की, जल्दी टाइप करके बताओ, कोई नहीं, हाँ सेंटर टू सेंटर यदि डिस्टेंस 6R है, तो मेरे बैच में कोई एक सिंगल बंदा ये नहीं है जो ये क्वेश्चन को बता दे कि सरफेस से सरफेस कितनी डिस्टेंस हुई, और मैं इस सवाल को कराने आ गया, है नहीं, चलो हर्ष ने टाइप किया, वेरी गुड, ठीक है हर्ष, अब आ जाइए, हाँ लेकिन इनके मास अलग है, दिया बहुत देर में टाइप किया, ठीक है, लेकिन इसका जो मास है वो एम है और इसका मास 4M है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना, आप एक बार बताओ, एक प्लास्टिक की बॉल हो और एक उतनी रेडियस की रबड़ की बॉल हो, तो रेडियस भले ही सेम हो लेकिन मास में अंतर आ सकता है बिकॉज ऑफ डेंसिटी, तो इसका मास एम है, इसका मास 4M है, हमें अपनी चुल्लन नहीं करनी, सवाल पढ़ना है हमको। अब क्या कह रहा है वो, द टू स्फीयर आर हेल्ड फिक्स्ड, दोनों फिक्स है ना, कील ठोक दो इसमें, ये नहीं हिलेंगे, अब प्रोजेक्टाइल ऑफ मास स्मॉल एम, एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास स्मॉल एम है, इस प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ मास एम डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर, यानी यहां से एक स्मॉल एम मास का प्रोजेक्टाइल इधर की ओर फेंकेंगे हम, सेंटर की ओर, इसकी ओर, मतलब ऐसे नहीं फेंक रहे, ऐसे नहीं फेंक रहे, लैंग्वेज समझना, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल टुवर्ड द सेंटर फेंक रहे हम, ऐसे जाएगा ये, ओके, तो वो ये कह रहे हैं ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड बी ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीच द सर्फेस ऑफ द सेकंड स्फीयर, वो ये कह रहा है कि हम इसे मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड दें, मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड दें कि ये जस्ट यहां पहुंच जाए, जस्ट यहां पहुंच जाए बस। अच्छा इस फिगर में थोड़ा आपको लेवल बढ़ाना है, तो आप एक्चुअली चीज वही होती है, लेकिन यदि मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊं तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए बच्चे को, सपोज करो मैंने इस फिगर को ऐसे बना दिया, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ये जो मैं आपको फिगर पढ़ा रहा हूं, ये रहा बोर्ड, इसको मैंने ऐसे कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, तो पहले तो यहां फिगर बनाने के तरीके पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी जब हम ग्रेविटेशन के सवाल करते हैं, ठीक है, तो अब जो मैंने इस फिगर में ऐसे फेंका है वो मैंने इस फिगर में ऐसे फेंक देता हूं, चलेगा ना, ठीक है, अब वो ये सवाल कह रहा है कि मिनिमम कितनी स्पीड दें हम इसको कि वो जस्ट यहां पहुंच जाए, ज्यादा तो कितनी भी दे दो लेकिन मिनिमम से मिनिमम कितनी दे कि वो यहां पहुंच जाए। अच्छा अब आप बताओ, सपोज करो ये अर्थ है, इमेजिन करो ये मार्स है ना, ये अर्थ है मार्स है, तो हर स्पीड पे तो नहीं पहुंचा पाएंगे ना, हल्की फुल्की स्पीड थी तो यहां तक जाएगा, लौट जाएगा, वो तो थोड़ी और स्पीड देंगे वो आगे तक जाएगा, लौट जाएगा। इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि यदि ये अर्थ हो और ये मार्स हो, तो पहले तो हमें इसको कम से कम इतनी स्पीड तो हो कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड चीर दे, पहले अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड चीरे, यदि क्योंकि यदि हम इसके पास होंगे तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेंट करेगा, करेगा ना डोमिनेंट, इसका भी होगा लेकिन इतना नहीं होगा। अब जैसे मैं हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेंट करता है, हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उससे छुपे हुए हैं, मून का ग्रेविटेशनल फील्ड, मार्स का, ये सब नेग्लिजिबल होंगे अर्थ पर। तो यानी सवाल समझिए, हमें इसको फेंकना है और इतनी मिनिमम स्पीड देनी है कि ये यहां आ जाए इजिली, तो चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे, तो आपको बस आपको क्या करना है, इसमें बस एक बुद्धि लगानी है कि यार मैं कैसे भी करके इतनी स्पीड तो इसे दे दूं कि ये जस्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ दे और मार्स के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ दे। अच्छा अब सपोज करो ये है, ये है, एक कोई रैंडम पॉइंट लिया मैंने, ये रहा पॉइंट, सपोज करो एक ऐसा पॉइंट लिया मैंने ये, अब बताना कोई तो एक दिन मैंने जो, हाँ आपके ग्रेविटेशन में मैंने सबसे पहला सवाल क्या कराया हुआ है, किसी को याद है, रॉकेट वाला, हमने रॉकेट भेजा था अर्थ से सन की ओर, पूछा था वो कौन सी जगह होगी जहां उस पर नेट फोर्स जीरो,
तो सपोज करो मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूं इधर की ओर, तो एक तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा सीन, सब लोग देखना, देखिए एक पॉइंट ये सपोज करो किस तक, ये यहां तक आ गया, तो यहां पर इसकी फोर्स भी होगी, मैं इसको एफ वन लिख देता हूं, और इसके भी तो अट्रैक्शन होगा एफ टू। बोलो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहां तक कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एफ वन और एफ टू। अब एफ वन क्या चीज है, इस बड़े स्फेयर की फोर्स जब ये खींचेगा, और एफ टू क्या चीज है, इसकी फोर्स। तो जहां ये बराबर हो जाएंगे, जहां ये बराबर होंगे वहां पर नेट फोर्स कितनी होगी बोलो, जीरो। अब इस लाइन मैंने एक लाइन खींची यहां से, इसका मतलब इसके नीचे, इसके नीचे इसका फील्ड डोमिनेट करेगा और इसके ऊपर इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। और समझने की कोशिश करिए, यदि ये वो पॉइंट है जहां पर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, तो इसका मतलब यदि मैं इसके नीचे हूं तो मान लो इसका नाम मैंने लिखा है वन और इसका नाम लिखा है टू, तो बताना इस पॉइंट पर किसका फील्ड डोमिनेट करेगा, वन का या टू का। इस पॉइंट पर, यदि इस पॉइंट पर दोनों का इफेक्ट टकरा के जीरो हो गए हैं, तो इसके नीचे इस पॉइंट पर किसका फील्ड डोमिनेट करेगा। सिवेश ने आंसर दिया सुहानी सर, बिल्कुल ठीक सिंपल, यदि हम इस पॉइंट के नीचे होंगे तो इसका फील्ड डोमिनेट करेगा, और यदि मैं इस पॉइंट पे हुआ तो इस पॉइंट पर आ गया, यानी इस पॉइंट पर आ गया तो क्या होगा, तो फिर इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर चलनी चाहिए कि यार मैं कैसे भी करके इसको ना इस पॉइंट से पार करा दूं, मतलब यदि मैं किसी को फेंकू तो उसकी कबड्डी 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 कबड्डी, यदि उसकी सांसें यही टूट गई, यदि उसकी सांसें यही टूट गई, तो वो लौट आएगा, लौट आएगा कि नहीं सोचो, क्योंकि यहां यहां तक एक्चुअली इस बॉर्डर तक, इस लाइन तक ये ताकतवर है, तो इसकी सांसें जस्ट कहां टूटनी चाहिए, स्लाइटली यहीं पर, या लिटिल बिट थोड़ी सी और दे दो। यदि हमने इसे यहां पर पहुंचा दिया, देखो यहां पर लिटिल बिट, यहां पर हमने इसको इतनी वेलोसिटी दी कि इसकी सांसें यहां पे आके टूट गई, यहां आगे देखना थोड़ा सा ऊपर, जस्ट ऊपर यहां पे, तो क्या होगा बोलो बताइए, यदि यहां पे आके उसकी सांसें यहां ना टूटी, यहां टूट गई, तो क्या होगा, क्योंकि आपने इतनी कामयाबी तो पा ली कि आपने इस पॉइंट को क्रॉस करा दिया, और उसके बाद जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस लाइन से थोड़ा बहुत भी इधर पहुंच गया, तो फिर तो ये इसे खींची लेगा ना अपनी ओर। क्या ये बात समझ में आ पाई या नहीं आ पाई, इस सवाल की जो मेन थीम है ना वो यही है कि एक बार बस हम इसे कोशिश करके यहां पहुंचा दें लिटिल बिट, ठीक है, एक बार हम इसको यहां पहुंचा दें फिर तो वो खींच लेगा। तो यानी हमारे को पता है यदि इस प्रोजेक्टाइल को यहां पहुंचाना है तो हमारे जो एफर्ट है, हाँ हमारे एफर्ट इतने नहीं होने चाहिए कि हमें वहीं तक फेंकना है, यानी थोड़ा सा आईक्यू भी लगाना है, हमें इतने एफर्ट नहीं लगाने कि यहां तक भेजना है, हमें इतने एफर्ट लगाने कि यहां तक आ जाए, बस यहां तक, फिर तो वो खींच लेगा, ठीक है। तो चलिए, तो जो फिगर मैंने यहां पर है वो मैं यहां बना लूं, तो माना ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने यहां ऐसे बना दिया, लेट दिस इज, ठीक है, इसका नाम मैंने वन दे दिया, इसका नाम टू दे दिया, ठीक है, स्फेयर वन स्फेयर, तो जब ये स्मॉल एम यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा सपोज करो एक्स डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6r-x, होपफुली ये समझ में आ गया। तो इस पॉइंट पर जब ये आ जाएगा तो ये इस पर इधर खींच, जैसे एम भगते 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 यहां आ गया, तो इस पर भी इधर फोर्स लगेगी, एक इधर लगेगी फोर्स, ओके समझ में आ रहा है, ये फोर्स, ये क्या है, फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू वन, और ये किसका एरो है, फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू टू। देखना समझ में आ पा रहा है या नहीं फिगर में, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू वन, ये वाला एरो, फोर्स ऑन दिस एम ड्यू टू दिस स्फीयर, और ये किसका एरो है, ये भी तो इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है वो इसे खींचेगा, तो अब बताइए। तो अच्छा जनरली ऐसे पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल ऐसे पॉइंट को, ये बात अपनी डिक्शनरी में डाल लो, फिजिक्स का शब्द है न्यूट्रल पॉइंट, का मतलब ना ये वो पॉइंट है ना इसकी चलेगी ना इसकी चलेगी, इसके इधर ये डोमिनेट कर जाएगा, इसके इधर ये डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो फॉर एफ एम वन इक्वल टू एफ एम टू वेन, ठीक है देखना मैंने क्या लिखा, समझ में आ रहा है ना, फोर्स ऑन एम ड्यू टू वन, यानी ये वाली फोर्स, इन दोनों पेयर के बीच की फोर्स अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए एरो इधर है, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाए, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इन दोनों के बीच में जी, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच की फोर्स है नहीं, ये जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो एम वन है 4m, 4m ही है ना, एम टू स्मॉल एम,
अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या देखना, ये समझ में आया यहां तक? देखना ये समझ में आया या नहीं? ए जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? ओके ठीक है। अच्छा शुभम ने कहा कि हम आगे करने की कोशिश करेंगे, आप करो बेटा, मैं यहाँ आगे बताता हूँ। अब इसमें काटा पीटी करते हैं पहले, GMM, तो यहाँ फोर बचेगा, तो देखो 1/x² = 4/6r - x² ठीक है। दोनों ओर का रूट ले ले, रूट ले ले, या है ना, तो 1/x = कितना आ रहा है, 4/6r - x ठीक है। तो यहां से, अच्छा यहां से, तो भाई मैंने दोनों ओर का रूट ले लिया, सॉरी ये 2 हो जाएगा, फिर दोनों ओर का रूट लेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6r - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6r - x = 2x, तो यहां ले जाइए 6r = 3x, तो x = हो गया 2a, यानी ये वाला x ये 2a है। अच्छा यहां पर एक और प्रोबेबिलिटी बन रही है, क्योंकि हम में से कुछ स्मार्ट लोग ज्यादा दिमाग चलाते भी है कि सर जब हम रूट लेंगे तो यहां 1/x आएगा, तो +-2/6r - x आएगा ना, ये भी तो आपने प्लस वाला तो ले लिया, माइनस वाला भी लीजिए। चलो यदि मैं माइनस को भी अज्यूम कर लू कि भाई यदि आप दोनों का रूट लोगे तो प्लस माइनस, तो देखिए माइनस में क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब ये चीज 6r - x = -2x है ना, देखना सही कर रहा हूं ना गलत कर रहा हूं मैं, 6r - x = -2x, इज इट ओके, कुछ गड़बड़? तो यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, देखो कि ये x वहां चला जाएगा तो x = - आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो इसको हटा, सावन की घटा बत्ती बुझा, ठीक है। चलो तो अब हमें ये आ गया x = 2a, ये तो सवाल का पहला चरण है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, मैं फिर इतना पोर्शन मिटाऊंगा, पहले इतना ठीक है, इसको मिटा लिए ठीक है। चलिए हमने ये डिस्टेंस निकाल ली, चलो कोशिश करता हूं, अभी नहीं मिटा रहा। अब क्वेश्चन तो ये था नहीं, क्वेश्चन ये थोड़ी नहीं था कि कौन सी डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, क्वेश्चन तो ये है कि हमें यहां से फेंकना है इसको, और कम से कम कितनी वेलोसिटी दे कि वो वहां पहुंच जाए। तो अब हमारे दिमाग में क्या है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, ये स्टेप फर्स्ट था ठीक है, स्टेप फर्स्ट के माध्यम से पहले हमने ये डिस्टेंस निकाल ली जो कि 2a है, ये 2a है ओके। चलो अब सुनो, अब हमको सपोज करो मैंने बिल्कुल बनिए वाली स्पीड दी है, बनिए वाली स्पीड समझ गए ना, एक दिन और समझाया था कि मम्मी ने उतनी पैसे दिए जितने का सामान आ रहा है, बचे कुछ है ही नहीं, तो उतनी स्पीड दी कि इसने जस्ट यहां पे आके सांसें तोड़ ली, यहां पे आके सांसें तोड़ ली जस्ट। आप इतना, अच्छा आटे में नमक के बराबर बदतमीजी चल सकती है, हम ये मानेंगे कि लिटिल बिट थोड़ा बहुत पॉइंट इधर आ गया होगा बस, फिर तो वो खींच लेगा। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं, माना मैंने उसे वी वेलोसिटी दी, यहां पर सुनना बेटा क्या दी मैंने, वी वेलोसिटी। अच्छा इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं ए, इस लोकेशन का नाम ए है, इस जगह का नाम बेटा जहां पे एम रखा है, और इस जगह का नाम बी है ठीक है। तो अब आप बताइए, लेट द प्रोजेक्टाइल स्मॉल एम इज गिवन अ वेलोसिटी वी सो दैट इट जस्ट रीचेस, जस्ट क्रॉसेस द पॉइंट बी। तो अब बताना इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पीई प्लस के ई एट ए इक्वल टू पीई प्लस के ई एट बी। देखना ये समझ में आ गया कि नहीं, आपने एस्केप स्पीड के साथ कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही किए थे कि इसका मतलब उसके बाद इसकी जो एनर्जी होगी यहां पर, टोटल एनर्जी इसकी जो यहां होगी वही टोटल एनर्जी इसकी यहां होगी। तो अब बताइए यहां पर कौन कौन सी एनर्जी होगी, पीई। अब जो यहां पे लगेगा पीई समझिएगा, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे, यहां लगेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा लगेगा, -GM1m2/r ठीक है ना, क्योंकि हमने इस यूनिट में सीखा है कि ऑल एक्यूरेसी -GM1m2/r इज अ प्रो फॉर्मूला। तो बताइए कोई बताएगा मुझे कि इसमें यहां कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बताइए कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या लगाऊं पी की जगह क्या रखूं मैं, माइनस जी क्यू जी, जी होगी यहां इनफाइनाइट कुछ है ही नहीं, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। देखना समझ में आया नहीं, नहीं आया, ये कोई फॉर्मूला है या नहीं, पहले तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, -GM1m2/r इस वाले और इसको देखिए ठीक है,
इस स्फेयर को और इसको देखिए, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर, यानी समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला ये, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वाला। लेकिन इसमें ये वाली पुटे, ये हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम एट ए इक्वल टू पी प्लस के ई ऑफ स्मॉल एम एट बी। जब ये यहां पर है तब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ इसकी वजह से नहीं, इसका भी इफेक्ट होगा। बेटा एक बार फिगर दोबारा देखिए, ये यहां पर है यहां, तो इस बंदे की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इससे भी कुछ डिस्टेंस पर है और इससे भी 6R डिस्टेंस दी हुई है ना, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तो नहीं है ना ये। अब इनफाइनाइट, यदि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता तो इसकी वजह से इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अच्छा इमेजिन करो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, इमेजिन करो इसे हटा दूं, तो क्या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बोलो सोचो। यानी इसके पास ये वाली पोटेंशियल, इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी है और इसकी वजह से भी है, तो अब इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस जी फोर एम एम अपॉन, समझ गए हो। अब मैं इन दोनों के बीच की निकाल रहा हूं, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास फोर एम है, फोर एम अपॉन, बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, ये अब ये डिस्टेंस कितनी रखोगे आप बताओ, ये डिस्टेंस कितनी रखी जाएगी, क्योंकि अब मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए ना, 5R, बिल्कुल ठीक दिया 5R, दिस इज 5R, समझ गए क्यों, क्योंकि देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6R है, सेंटर टू सेंटर यहां से लेके इस पॉइंट तक, समझ गए ना, देखो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो 6R दी थी, उसमें से ये R घटा दो, तो यानी इसके और इसके बीच की दूरी 5R है, प्लस ये मैंने P रखा है भी, ध्यान रखना इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से और प्लस काइनेटिक एनर्जी जो भी आपने हाफ एम वी स्क्वायर दिया है इक्वल टू, देखना बेटा एलएचएस समझ में आया कि नहीं, पहले एलएचएस ध्यान रखना ये कैपिटल एम 4M, ठीक है ये कैपिटल एम। अब आते हैं, हाँ अब जब ये भगा 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 यहां आ जाएगा जस्ट यहां, तो काइनेटिक एनर्जी वाला तो हम जीरो मान लेंगे क्योंकि हमने उतनी ही दी है बनी वाली वेलोसिटी कि उसकी यहां पे आके सांसें टूट जाएंगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना। तो अब आप इस फिगर को ऐसे अज्यूम करना, जब ये यहां से खिसक के यहां आ गया तो अब फिर से इसमें दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस रीएडजस्ट हो गई है, तो इसके इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं पहले मैं इन दोनों की, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, अपॉन बोलो कितना, अपॉन बोलो कितना, अपॉन, अरे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए हमको, ये डिस्टेंस चाहिए ना, इसकी वजह से इसमर या इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, तो ये डिस्टेंस ही होगी ना, तो जल्दी बोलो डिस्टेंस कितनी रखो, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन डिस्टेंस 2R दिया आज फॉर्म में बेटा, हर्ष 3R नहीं 2R ही तो हुआ बेटा, ओहो हर्ष ये जो 2R निकला है ना, ध्यान कर सेंटर टू सेंटर निकला है, प्लस अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा माइनस जी इसका मास कितना है 4m इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस, अब बताओ ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, अरे देव दोबारा सोच, अरे यहां से यहां तक की डिस्टेंस, हाँ सिवेश बिल्कुल ठीक, सिवेश का ठीक है, और सोचो, अरे भाई आप ये डिस्टेंस नहीं मैनेज कर पा रहे हो भगवान, देव गलत है फिर से दिया ठीक है देव, ये टोटल 6R थी जिसमें से यहां तक 2R निकाल दो आप, तो यहां से यहां तक 4R बची ना, चलिए अब सीरियसली मेरा काम हो चुका है, अब इसको सॉल्व करिए और V के लिए एक्सप्रेशन निकालिए। सबसे पहले तो देखो स्मॉल m काटता हूं मैं इसमें से, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, LHS RHS में कॉमन आके कट जाएगा ना, स्मॉल m ये कट गया ठीक है, तो इधर केवल हाफ वी स्क्वायर रहने दूंगा मैं, हाफ वी स्क्वायर रहने दूंगा, बाकी ये जो दोनों टर्म माइनस के वहां प्लस कर देता हूं, पहले इसको लिखता हूं मैं, जी कैपिटल एम अपॉन आर, देखो माइनस जी एम अपॉन आर था वहां जाके प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, जी फोर फोर आगे लिख देता हूं, फोर जी एम अपॉन फाइव आर, ठीक,
माइनस के माइनस जी कैपिटल एम अपॉन टू आर माइनस फोर जी एम अपॉन फोर आर। ओके नहीं नहीं स्मॉल एम एक ही था, एक ही वर्ड था। अब सुनो यहां पे बेटा ये थोड़ा आपको मदद करनी है, जी एम अपॉन आर मेरे ख्याल से ये तो कट गया ना, देखो ये फोर फोर ये कट गया, अब इन दोनों में जी एम अपॉन आर कॉमन ले लिया मैंने, जी एम अपॉन आर यहां बच रहा है फोर अपॉन फाइव, यहां बच रहा है वन अपॉन टू, है ना। तो सॉल्व करो इसको, दिस इज हाफ वी स्क्वायर, है ना, टू तो हम वहां ले जाएंगे, देखो वी स्क्वायर अपॉन टू था ना, टू यहां जाएगा, ये वाला टू वहां जाएगा, अब फोर अपॉन फाइव माइनस कितना है वन बाई टू, पांच दुनी दस, चार दुनी आठ, थ्री अपॉन टेन, तो थ्री अपॉन अपॉन टेन, और ये टू ऑलरेडी है थ्री अपॉन फाइव, जी फाइव एम अपॉन आर। बेटा ये कैलकुलेशन है, ये हो सकता है, देखना एक बार आप कंफर्म करो, मैं तो आंसर देख लेता हूं, मेरे पास तो ऑप्शन है। हाँ सही है बेटा, यस ठीक है, वी वी को यहाँ पे अंडर रूट वी स्क्वायर आया ना ये, ठीक अब वी पे यहां से हटा दो, अंडर रूट आ गया, बस हटा सावन ही हटा ये, अब ले लो स्क्रीन शॉट इसका। ओ माय गॉड, चलिए ये अच्छा सवाल था, आज के लिए रोक रखा था मैंने, ठीक है चलिए अब आ जाइए, मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा और आप करेंगे, ठीक है मैं बोलूंगा और आप करेंगे। तो मैं लाया हूं, लिख के लाया हूं, लिख के मतलब एक बुक है उसमें से पेज नंबर लिख लिया मैंने, पेज नंबर 532 क्वेश्चन नंबर, चलिए इस पे तो मैं मिटा देता हूं, और अब क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और सिर्फ 3 मिनट दूंगा करने के लिए, इतनी देर में हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पेज 532 पर क्वेश्चन नंबर 6, हाँ तो देखिए क्वेश्चन लिखिए लिखिए, बहुत आसान है ये तो, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ, जल्दी जल्दी लिखना, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, इफ रेडियस ऑफ अर्थ वर इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3 रेडियस, ठीक है कॉमा, By what factor would its density, by what factor would its density have to be changed to keep small g, to keep g the same, to keep g same। चलिए मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, क्वेश्चन को कुछ समझ, ठीक है देखिए सवाल क्या चाह रहा है, ये अर्थ है ना, क्वेश्चन यही तो था ना अर्थ, वो कह रहा है अर्थ की रेडियस, हाँ बेटा दिया, वेरी गुड, दिया का आ गया, हाँ दिया फॉर्म में आज, ठीक। तो सवाल ये है, एक बार मैं भी पढ़ लू, हम इसकी रेडियस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे 3 times, रेडियस को 3 times इंक्रीज करेंगे। अच्छा एक बात सुनो, सरफेस पर ग्रेविटी क्या होती है, सरफेस पर ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक। अब सोचो यदि रेडियस ही रेडियस बढ़ने लग जाए, रेडियस तो ग्रेविटी पे इफेक्ट आएगा ना, यदि रेडियस बढ़े और मास ना बढ़े, इमेजिन करो मास ना बढ़े और केवल रेडियस बढ़े, ठीक है तो हाँ बेटा सेवेज ठीक है, लेकिन अब ठीक तो ये रेडियस ही रेडियस बढ़े तो सोचो रेडियस बढ़ेगी तो ग्रेविटी कम होगी। अब सवाल जा रहा है कि हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि रेडियस बढ़ा भी लें और ग्रेविटी पे कोई फर्क भी नहीं आए, तो एक काम करते हैं, पहले हमें सवाल डेंसिटी के टर्म में पूछा है ना, तो इस फॉर्मूले को पहले डेंसिटी के टर्म में लेके आते हैं। तो मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, भाई डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इस मास की जगह जी अपॉन आर स्क्वायर, तो जी अपॉन आर स्क्वायर, और एम की जगह डेंसिटी जो भी है, और वॉल्यूम रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, भाई इसका जो वॉल्यूम होगा स्फीयर ही तो मान के करते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आपने देखा आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में ऐसे मैनेज किया जा सकता है। जी देखो पहले 4/3 पाई लिख लेता हूं, 4/3 पाई जी रो आर आर, अब बताओ इसमें से 4/3 पाई जी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है ना, ये तो ब्रैकेट यूनिवर्सल है, इसमें तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल चाह रहा है
देखो समझदार लोगों के लिए, कि रेडियस हम 3 गुना बढ़ाएंगे तो डेंसिटी में क्या फर्क लिया है कि ग्रेविटी में कोई फर्क ही नहीं आएगा। स्मार्ट बंदे आंसर दें, रेडियस हम बढ़ाएं, रेडियस बढ़ाएं 3 गुना, तो इसमें क्या चेंज कर दें? एक बार बताओ, एक्स इंटू वाई का आंसर मैं चाहता हूं 100 हो जाए, है ना। एक्स इंटू वाई का आंसर 100 है, सपोज करो। अब मैं वाई की वैल्यू दुगनी कर दूं, वाई की वैल्यू दुगनी कर दूं, तो मुझे एक्स क्या रखना पड़ेगा जिससे कि मल्टीप्लाई 100 ही रहे? वाई को मैं ट्वाइस कर दूं, ए भगवान, वाई की वैल्यू यदि दुगनी कर दूं, है ना, और एक्स में क्या चेंज करना पड़ेगा जिससे कि टोटल 100 ही रहे? ए भगवान, एक काम करो दोबारा खेलते हैं, ठीक है। मान लो ये 2 × 50 100 है, ये अब मेरा सवाल ये है ये, कि यदि सिचुएशन ये आ जाए कि वाई की वैल्यू दुगनी कर दूं मैं, वाई मैंने 50 से 100 कर दिया, ये आंसर मुझे 100 ही चाहिए, तो यहां क्या करना पड़ेगा मुझे? 1, वो 0 कर रही है, ऐसे भी है। तो यदि इसे दुगना कर रहे हो तो ज्यादा कर दो, तो इसीलिए यदि आप इसे 3 गुना कर रहे हो, इमेजिन करो, ठीक है, 4/3 πg रो आर, यदि आर को 3 आर कर रहे हो आप, तो सोचो ग्रेविटी 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन सवाल चाह रहा है ग्रेविटी में कोई चेंज ना आए, तो नीचे इसके 3 कर दो, सोचो, तो फिर ये 3 ना इस 3 को खा जाएगा, तो रेडियस 3 गुना करनी है तो डेंसिटी को 1/3 कर दो, तो ग्रेविटी एज इट इज रहेगी। नहीं तो फिर एक और चीज है, देखना, ये समझ में आ गया, ये सबका साथ सबका विकास, कि यदि ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है तो ग्रेविटी का फॉर्मूला फिर ये हो जाएगा, यदि नई डेंसिटी नई रेडियस। अब इस सवाल में वो क्या चाह रहा है कि जी डैश को वो जी के बराबर ही चाह रहा है, तो जब जी डैश को जी के बराबर करोगे तो ये कट जाएगा, रो डैश आर डैश इक्वल टू रो इंटू आर। अब रो आर डैश 3 गुना है, तो आर से आर कट गया, तो रो डैश कितनी आ गई? रो अपॉन 3, नई डेंसिटी, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, 7th क्वेश्चन, आसान सवाल दे रहा हूं, लिखिए। पेज नंबर, हाँ, अ बॉडी वे 36 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, किसी बॉडी का वजन अर्थ की सरफेस पर 36 kg है, फुल स्टॉप। हाउ मच विल इट वे, हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हाउ मच इट विल वे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हुज मास, अगली मीटिंग में आना है बेटा, हुज मास इज, किसका मास? हुज मास, हुज किसका मास? मार्स का। हुज मास इज 1/9, 1/9 एंड रेडियस 1/2, 1/2, फिर से बोल रहा हूं, हुज मास इज 1/9 एंड रेडियस 1/2 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, मतलब मार्स का जो मास है वो 1/9 ऑफ मास ऑफ अर्थ है, और मार्स की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ मार्स, वो रेडियस ऑफ अर्थ की आधी है। समझ गए क्वेश्चन? समझ गए? तो यदि किसी बॉडी का वजन अर्थ की सरफेस पर 36 kg है, तो उस बॉडी का वजन मार्स की सरफेस पे क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट नाउ। अच्छा सवाल बताता हूं, देखिए ये तो कॉन्फिगरेशन दे रखे हैं हमें सवाल में, ये अर्थ है, ठीक है, और ये मार्स है, ठीक है। सरफेस पर ग्रेविटी का फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा यहां पर, तो क्या लगेगा? जीएम अपॉन आर स्क्वायर, और जब ये अर्थ है ना और ये मार्स है, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है, और जब ये फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा यहां पर इसकी सरफेस पर, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही लगेगा? लगेगा तो यही, लेकिन क्योंकि मास बदल चुका है, रेडियस बदल चुकी है, तो ग्रेविटी भी बदल जाती है, ठीक है। तो मुझे यहां सब पर डैश डैश, अच्छा जी पर डैश नहीं आएगा, कैपिटल जी पे, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो ये अर्थ की सरफेस पर यदि ये फॉर्मूला लगाओगे, तो मार्स की सरफेस पर ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो जी डैश अपॉन जी। अच्छा एक चीज और, जितना परिवर्तन ग्रेविटी में आता है ना, उतना ही परिवर्तन वेट में आता है, बताना
यदि किसी बंदे का वेट वेट ऑन अर्थ डब्ल्यू ई वेट ऑन अर्थ आप एम जी निकालोगे बोलो यही तो उसी बंदे का वेट ऑन मार्स वेट ऑन मार्स तो मास वही रहेगा लेकिन ग्रेविटी चेंज हो जाएगी ना। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी वेट का फॉर्मूला होता है एम जी और जब जी चेंज तो वेट चेंज आप ऐसे समझो। तो आप गौर से देखो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो हालांकि ये मैंने कई बार कराए हैं सवाल कई बार तो नहीं बोलूंगा सॉरी एनसीईआरटी के तो कराए हैं ना तो बताना जो वेट में चेंज आता वेट में उतना ही चेंज आता है जितना ग्रेविटी में चेंज आता है वेट में चेंज आते ही उतना है जितना ग्रेविटी में एम तो कट जाता है। तो अब आपको जी डैश अपॉन जी पे काम करना है तो बताना जब मैं जी डैश अपॉन जी करूंगा जी डैश अपॉन जी तो कैपिटल जी कट जाएगा तो बताना जी एम डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो जी से जी कटा तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू एम डैश अपॉन एम और ये ऊपर पहुंच जाएगा आर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। और ये किसका मास है ये कहां की ग्रेविटी है मार्स के सरफेस पर तो ये किसका मास है जिस पर डैश लग रहा है वो मार्स ये किसकी रेडियस मार्स की तो एम बोल दो या फिर मैंने यहां एम डैश लिख दिया है आर एम रेडियस ऑफ मार्स इसे आर डैश लिख दिया है ठीक है। तो बताइए जी डैश अपॉन जी अब कितने लोगों को लगता है कट जाएंगे अभी भी नहीं आएगा कॉन्फिडेंस एम डैश अपॉन एम बताइए एम डैश अपॉन एम ये एम लिख देता हूँ ये आर लिख देता हूँ एम डैश अपॉन एम एम को इधर ले आओ तो बनवाई नाइन आ रहा है ये एम डैश अपॉन एम की वैल्यू भाई देखो एम डैश इक्वल टू वन बाई नाइन ऑफ अर्थ का मास है तो एम को इधर ले आओ यहां से तो एम डैश अपॉन एम वन बाई नाइन हो गया। ऐसे ही बताना आर इसको आर हमें चाहिए अब आर अपॉन आर डैश तो और आर अपॉन आर डैश कितना हो गया बेटा टू आर अपॉन आर डैश टू आएगा आर अपॉन आर डैश टू उस पर स्क्वायर है तो जी डैश अपॉन जी कितना आ रहा है फोर बाई नाइन तो ठीक है ना ये चीज तो जी डैश अपॉन जी डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू जी डैश अपॉन जी डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू मैंने ये लिख दिया इसको है ना तो जी डैश अपॉन जी ये फोर बाई नाइन है तो W को उधर ले जाओ 4 बाई नाइन इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू कितना था 36 ठीक है ये 36 दे रखा था आई डोंट नो सेम 9 चौक 36 4 चौक 16 मान पकड़ के रूल है 16 के जी एफ ये 16 के जी लिखेंगे ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ठीक है 5 पेज नंबर 534 पर 13 चलिए ऐसा ही सवाल है उम्मीद करता हूं कर जाओगे लिखिए फाइंड आउट द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इफ इट्स रेडियस मून की रेडियस को आर डैश बोल दूंगा मून के मास को एम डैश बोल दूंगा वही दे रखा है इफ इट्स रेडियस इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस दे रखिए 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ एंड इट्स मास इज 1/96 ऑफ मास ऑफ अर्थ ठीक है ये दे रखा है तो आपको अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी में वो रिलेशनशिप निकालना है ठीक है। यदि मून की रेडियस इतनी हो और मून का मास इतना हो तो शुरू हो जाओ बेटा तो इसका आंसर बोल देता हूं खुद करना मून की जो ग्रेविटी आएगी वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 आएगी मून इस सवाल में मून की जो ग्रेविटी आएगी जी डैश वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 आएगी। एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं लिखिए बेटा एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ Will the value of g? Will the value of g, small g, the value of g be reduced by? Be reduced by 36%. Be reduced by 36% from the value at the surface. Again, I am repeating. हिंदी में रिपीट कर रहा हूं कि वो कौन सी हाइट होगी
जहां पर जाके ग्रेविटी 36% कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी? जो सरफेस पर है, सरफेस पर जितनी है उससे 36% कम हो जाए। हिंट दे देता हूं, 36% कम हो जाएगी, इसका मतलब 64% रह जाएगी। समझ गए? 36% घट गए, 36 का नुकसान हो जाए, केवल 64 रह जाए। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर लेनी है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या लेनी है? 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? करिए, देखिए सवाल क्या है कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ की कुछ रेडियस दे रखी है, दे रखी है, यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू जी की होती है। तो सवाल कह रहा है कि हम इसे कितनी हाइट पर ले जाएं, किस हाइट पर ले आए कि यहां जो ग्रेविटी नहीं आएगी जी डैश, ये तो हमको पता है ना, ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज हो जाती है जी डैश, वो यहां की 64% रह जाए बस। अब समझ ना सवाल, 36% घट जाए का मतलब हो गया कि केवल रह कितनी गई, जो रह गई इस यहां का मतलब यह कि यहां है कितनी, है कितनी यहां की 64%। यदि यह गलती हो गई है, मैंने पिछले सवाल समझाते वक्त भी बोला था 36% घटने की कह रहा है, ठीक है, क्या बोला था उसने सेंटेंस, रिड्यूस बाय 36%, ठीक है, 36% घट गई तो 64% रह गई, तो इसका मतलब यहां से जी डैश अपॉन जी कितना आ रहा है, 64/100। अगेन ये चीज हो गई, अगेन जब हाइट पे वेरिएशन होते हैं तो जी डैश अपॉन जी का फॉर्मूला R/R+H का होल स्क्वायर होता है, होता है कि नहीं? जब हाइट पर जाते हैं तो फिर वेरिएशन इन जी, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यार इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस के लिए तो ये सवाल लाया हूं मैं कि जब हाइट पर जाते हैं तो हाइट वाला फॉर्मूला लेंगे। तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, 64/100, ये R/R+H का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो ये 8/10 हो गया, क्योंकि रूट इसका 8 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, R/R+H, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10R = 8R+8H, ठीक है, तो 8H = 2R, तो H = कितना आ गया, 1/4R, 1600 किलोमीटर हो गई भाई, H = 1/4 और ये 6400, 6400, तो H = हो गया ये इतने किलोमीटर। एक और क्वेश्चन करिए, चलिए इस जैसे ही है, अब परसेंटेज आता होगा तो कर लोगे। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, लिखिए, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, वेट में परसेंटेज और ग्रेविटी में परसेंटेज एक ही बात होती है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज टेकन, व्हेन इट इज टेकन 64 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हेन इट इज टेकन 64 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। यदि किसी बॉडी को 64 किलोमीटर गड्ढे में ले जाएं तो कितना परसेंटेज घटेगी, घटेगी तो सही हमें पता है, क्योंकि ऊपर जाने पे भी घटती है, नीचे जाने पे भी घटती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, डायलॉग याद हो तो। उसने बोला कितने परसेंट घटेगी, अब यहां परसेंटेज आना चाहिए, आपका परसेंटेज लेवल चेक होगा। मैंने समझाया है क्लास में जब वो सवाल आए थे कि कैसे कि परसेंटेज इतना परसेंट मोमेंटम चेंज करते हैं तो कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तब मैंने वहां परसेंटेज पे काम करना सिखाया था। हाँ, तो कितना परसेंट ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी 64 किलोमीटर नीचे जाने पर, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, उतनी ही लेनी है, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, यहां पर सरफेस पे जो भी ग्रेविटी है, ठीक है, अब हम 64 किलोमीटर नीचे आएंगे, 64 किलोमीटर, तो यहां ग्रेविटी जी डैश हो जाएगी यहां पर आके। तो वो कह रहा है यदि ग्रेविटी और टोटल रेडियस हमें इसकी वो 6400 लेनी ही लेनी है, तो वो ये कह रहा है 64 किलोमीटर नीचे आने पर कितनी ग्रेविटी, हालांकि ग्रेविटी नहीं बोला उसने, वेट बोला है, वेट में उतनी चेंज आता है जितनी ग्रेविटी होती है, ठीक है, यही तो पूछा था ना। हाँ चलो, तो बेटा जी, जी डैश नो डाउट जी की वैल्यू जी डैश से बड़ी होगी, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब हम घटाएंगे तो परसेंटेज में जब काम होता है ना तो ज्यादा में से कम घटाते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट याद करो, लॉस परसेंट, जब प्रॉफिट निकालना होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन जब लॉस परसेंट निकालना होता है तब आपको सीपी माइनस एसपी करना होता है, यानी वहीं से हमने ये चीज सीखी है और उसी को बेस लेके मैंने समझाया है। तो अब पहले तो ये देखते हैं हमारा जो जी डैश अपॉन जी कंसेप्ट क्या लगता है, 1 - d / r, यही तो लगता है,
जब नीचे जाते हैं तो ये चीज पहले इसे सॉल्व कर लें। अच्छा एक मिनट, ये तो फॉर्मूला हो गया जब हम नीचे जाते हैं तो जी डैश अपॉन जी वन माइनस डी अपॉन आर, और हमें निकालना क्या है, हमको निकालना ये है जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100। सोचो अब ये फॉर्मूला उसी वही समझ पाएगा, जी माइनस जी डैश जैसे आप निकालते हो ना, जैसे लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कैसे निकालते हो, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, नीचे हमेशा सीपी आता है ध्यान करो। अब क्योंकि ये लॉस आ रहा है और सीपी का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, सीपी का मतलब इनिशियल और फाइनल, ऐसे ही समझाया था मैंने। तो इनिशियल ग्रेविटी माइनस फाइनल ग्रेविटी अपॉन इनिशियल ग्रेविटी वही इनटू 100, ये निकालना है हमको। ठीक है समझ गए ना, निकालना हमको ये है रिक्वायर्ड आंसर। इसको सेपरेटली लिखूं, सेपरेटली तो 1 माइनस जी डैश अपॉन जी इनटू 100, समझ गए या नहीं समझ गए, हमको सेपरेटली लिखोगे तो 1 माइनस जी डैश अपॉन जी इनटू 100 और जी डैश जी अपॉन हम यहां से निकाल लेंगे। एक काम और कर लो ना, एक काम और कर लो, अरे अरे देखो यहीं से देखो 1 माइनस जी डैश अपॉन जी कितना हो गया, इसको इधर इसको डी अपॉन आर, तो इस पूरे ब्रैकेट को ही डी अपॉन आर लिख दो, हो गया काम, कितना आसान, कितना आसान हो गया, क्योंकि 1 माइनस जी डैश अपॉन जी डी अपॉन आर है। और ये है 64 किलोमीटर, ये 6400 किलोमीटर इंटू 100, किलोमीटर कट गया, 00 कट गया, 1%, तो 1% ग्रेविटी कम होगी, 1% वेट भी कम हो जाएगा। लीजिए बेटा ऐसे स्क्रीनशॉट, ठीक है अगला क्वेश्चन तैयार किया जाए, पेश किया जाए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फटाफट लिखिए, द रेडियस ऑफ मून इज, द रेडियस ऑफ मून इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। ये अभी मून के जो कॉन्फिगरेशन दिए थे ना, तो रेडियस ऑफ मून आर डैश 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है, ठीक है, एंड इट्स मास इज 1/96 द मास ऑफ अर्थ। मदद के लिए लिख देता हूं, मून का मास 1/96 ऑफ मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, अब 11 लेनी है, 11.2 नहीं लेनी, अब एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप ई फॉर दिस ई इज नॉट फॉर अर्थ, दिस ई स्टैंड्स फॉर एस्केप अर्थ से, वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड लेनी है, तो VE डैश निकालना है आपको। तो सवाल ये पूछा है फाइंड द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, तो शुरू हो जाइए करके बताइए। चलिए तो बता रहा हूं इसको सॉल्यूशन, एस्केप स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट 2gm/r, यही तो होता है। तो फिर एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 2gm/r, क्या बात हुई, जब एस्केप स्पीड का फॉर्मूला ये होता है तो एस्केप स्पीड का ये होगा। अब आप जानते हो मेरे तरीके में, अब मैं इस पे डैश लगा दूंगा ना, कदम भाई जब अर्थ के लिए लगा रहे तो मान लो ये फॉर्मूला है, और मान लो मून के लिए लगा रहे तो मून का मास बदल जाएगा, मून की रेडियस बदल जाएगी, तो मून से निकलने वाली एस्केप स्पीड भी बदल जाएगी, 2 और g तो एज इट इज रहेंगे। अब डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग VE डैश अपॉन VE एस्केप स्पीड फ्रॉम मून को मैं एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ से डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो 2g कट जाएगा, तो अंडर रूट, अंडर रूट, ठीक है। तो बताइए ऊपर आएगा m डैश, नीचे आएगा m, और यहां r r डैश ये पलट जाएगा, ये रूट में आएंगे, ठीक है। अब आप बताइए आपको m डैश अपॉन m चाहिए, तो m डैश अपॉन m, m डैश अपॉन m, m डैश अपॉन m 1/96 है, और r अपॉन r डैश, r अपॉन r डैश 4 है। देखो हमें r अपॉन r डैश चाहिए तो 4 उधर पहुंच जाएगा, कुछ कट रहा है ये 4, कितनी बार कटता है, मेरी मैथ थोड़ी खराब है, 4 × 4 4 × 2 = 8, 1 × 4 = 16, 1/√24, देखना गड़बड़ तो नहीं हुई है मुझसे, हैं? इसका आंसर गलत आ रहा है क्या, फिर हमसे कुछ गड़बड़ होगी। चलिए चलिए अभी देखते हैं, मुझे तो कोई गलती नजर आ नहीं रही इसमें, हाँ √1/24 आ रहा है ये, VE डैश इक्वल टू, ये इसका कुछ रूट फूट निकलेगा नहीं, तो ये हो गया हमारा 24, 12 × 24,
या 6 चौक 24 है, 6 चौक 24 तो 1/2√6 ये आ रहा है, तो VE डैश इक्वल टू हो गया VE। देखना आप लोगों का भी यही आया था क्या, आप लोगों का भी यही आया था, क्योंकि फिर मुझे इसका आंसर गलत लग रहा है इसका। हमें से कितने लोगों का यही आया था, करके देखो। तो VE डैश इक्वल टू ऊपर 11 है नीचे 2√, ये तो कैलकुलेटर से होगा बेटा, क्योंकि जो आंसर दे रखा है उसमें ये 2 फैक्टर नहीं आ रहा है, ये वाला 2 फैक्टर नहीं आ रहा है, तो हमसे तो कोई गलती नहीं हुई। आप देखो एक मिनट में चेक कर लेता हूं, लिखिए क्वेश्चन लास्ट। अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। समझ गए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फुल स्टॉप। What is the height attained by the body? Maximum height attained by the body. What is the maximum height attained by the body? ये आज का लास्ट सवाल है, करके बताइए। यदि किसी बॉडी को escape velocity से ना फेंके, उसकी आधी velocity से फेंके, तो कितनी height तक जाएगी बॉडी? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालना, ये बढ़िया आइडिया है ठीक है। मेरी तरफ से हार्ट लेना ठीक है, दिल लेना, चलिए।